एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक एंड क्रंची। और आज आपके लिए लेकर आए इंस्टेंट आंवले के अचार की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत इजी है। इसे आप 1 से 2 महीने फ्रिज में स्टोर कर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन युक्त होता है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये हमने 1 kg कच्चा आंवला ले लिया है। इसे हमने अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार और ये बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। गैस ऑन कर लिए है, गैस पे रख लिया है एक भगोना और इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें हम आंवला को डाल देंगे, जिसे हमने धो लिया था अच्छे से। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इसे ढक देते हैं। इसमें हमने पीने वाला पानी ही डाला है, साफ पानी। और आंवले को हम 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं, तब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे हमें तब तक बॉईल करना है, तो आंवले को बॉईल होने देते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंवला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। आंवले को पानी से अलग कर लेते हैं और ये जो बचा हुआ पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम अपने बालों पर लगा सकते हैं या इसे हम पी सकते हैं। आंवला स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और इसीलिए इस जूस को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम पी लेंगे। अब आंवला हल्का सा ठंडा हो चुका है और इसकी गुठलियों को अलग कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इजीली टूट जाएगा और इसकी गुठलियों को अलग कर दें इस तरीके से। तो देखिए कितनी इजीली ये टूट रहा है। इसी तरीके से हम आंवले को में से गुठलियों को अलग कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से अलग हो रही है। आंवले में से हमने गुठलियों को अलग कर लिया है। चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लिया, गैस पे रख लिया कढ़ाई और अब डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर दें और अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच पंचफूरन। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, फ्लेम को लो ही रखें, मसाले जले नहीं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। इनसे अचार में बहुत ही अच्छा देखने में लुक आएगा और टेस्ट भी आएगा। 1 छोटी चम्मच नमक। सभी मसालों को चला देते हैं और हल्का सा भूनने देते हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं और अब डालेंगे आंवला। आंवला डालने के बाद इसे अच्छे से चला दें ताकि आंवला में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखा फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि हम कच्चा आंवला बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं। इस तरीके का अचार आप बनाएंगे तो बहुत इजीली बहुत सारा खा भी पाएंगे और आपको इसका न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इंस्टेंट अचार बनकर रेडी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी यमी यमी अचार। और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।